सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाल निगम पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके पूर्व हमने प्राचीन यूनान के इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण की थी, जिसके वीडियो का लिंक यहाँ दिया जा रहा है। आप इस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट रोम, प्राचीन रोम में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोम अपने विशाल इतिहास के बारे में जाना जाता है। रोमन साम्राज्य की सभ्यता की आज भी अमिट छाप हमारे बीच में है और इस पूरे विश्व में उसका एक परचम रहा है। एनईपी 2020 के अंतर्गत कई सारे ऐसे टॉपिक रोम के इतिहास के संदर्भ में आएंगे, जैसे द ग्लैडिएटर्स, चैरियट रेस और प्राचीन ओलंपिक खेलों के पतन के बारे में रोम को जाना जाता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं रोम के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी। रोम की राजधानी इटली है। हजारों हजारों साल पहले एक समय था जब इटली नहीं था और रोम टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा आदिवासी गांव था। प्रारंभ में रोमन निवासी स्वयं को लैटिन कहते थे, जो संभवतः मध्य एशियाई से आए थे। लैटिन जो होते थे लातिन कहा जाता था और ये किसान और चरवाहे हुआ करते थे, जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास आल्पस पर्वत पर के पार, जो उसके आल्पस पर्वत के आसपास जो इटली में घूमा करते थे। यूनानियों ने रोमन को अंगूर और जैतून उगाना सिखाया और ग्रीक के कई वर्णमालाओं का उपयोग करना भी सिखाया। तो रोमनों ने ग्रीक मूर्तिकला और अन्य कलाओं के रूपों की भी नकल की। तो ग्रीक का कहीं ना कहीं पूरा प्रभाव रोमन्स पर रहा और धीरे धीरे रोमन्स का एक प्रभुत्व स्थापित होता चला गया। रोमन्स जो थे बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीना व्यतीत करते थे और रोमन्स का मुख्य रूप से जो आकर्षण था वो फिजिकल फिटनेस था। जिमनेजियम और कोर्टयार्ड हुआ करते थे, रनिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, आर्चरी, ये इस तरीके की कलाओं में वो पारंगत हुआ करते थे। इसीलिए ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट्स और चैरियट रेसिंग उस समय की महत्वपूर्ण कलाओं के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन रोम में शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सेना में सैनिकों को प्रशिक्षण देना और नागरिकों को शारीरिक रूप से सक्षम बनाना था। रोमन साम्राज्य अपने सैन्य प्रधानता और राजनीति शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और इसके नागरिकों की भी में उच्च स्तर की शारीरिक क्षमता जो होती थी उसकी अपेक्षा की जाती थी। यानी कि रोमन का जो एक एक नागरिक था वो पूर्ण रूप से फिजिकली फिट होना जरूरी उसका होता था। इसलिए पूरा का पूरा उनका दारोमदार किस पे निपट करता था कि वहां की शारीरिक क्षमता जो है नागरिकों की वो उच्च कोटि की हो। इसीलिए सैन्य प्रशिक्षण जो था रोमन साम्राज्य में उनका मुख्य फोकस सैन्य प्रशिक्षण पे होता था और युवाओं पर ज्यादा ही ये प्रोत्साहित उनको करते थे कि वो ऐसी कलाओं में भाग लें और ऐसे सैन्य कौशल उनको सिखाए जाए जिनसे वो उच्च कोटि के सेनानी को तैयार कर सके। वहां के नागरिकों को बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी ऐसी कलाओं में के कौशल सिखाए जाते थे। इस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाती थी कि उन्हें सेवाओं के सैन्य सेवाओं के लिए तैयार किया जा सके। जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल फिटनेस रोमन स्पोर्ट्स का एक प्रमुख अंग रहा था, जबकि और आप स्लाइड में देख सकते हैं घुड़सवारी, तलवारबाजी इत्यादि उनका महत्वपूर्ण शौक हुआ करता था, जिसमें वो अपने आप को पारंगत करना में गर्व भी महसूस करते थे। और जिम्नेजियम जो कि उनका महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर जाके वो फिजिकल एक्सरसाइजेस किया करते थे, पब्लिक गेम्स खेला करते थे और अदर एक्टिविटीज में भाग लेते थे। ये जिम्नेजियम आप जैसा कि स्लाइड में देख सकते हैं, ये जिम्नेजियम उस समय महत्वपूर्ण स्थान हुआ करते थे जहां पर जाकर वो खेलों को खेलते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लैडिएटर कॉम्बैट की। यह खेल प्राचीन रोम में आयोजित किए जाने वाले खूनी खेल होते थे। यहाँ योद्धा आपस में या जंगली जानवरों के साथ लड़ते थे और यह खेल जनता के मनोरंजन के लिए भी आयोजित किए जाते थे। कभी कभी यह खेल राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी आयोजित किए जाते थे। यह खेल रोमन सम्राट द्वारा अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने, लोगों को खुश रखने के लिए उपयोग किए जाते थे। इन खेलों के दौरान बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाया करती थी, लेकिन जो बहादुर इसमें भाग लेते थे उनके युद्ध कौशलों को सराहा भी जाता था। कई तरीके के ग्लैडिएटर्स होते थे,
जैसे ग्लैडिएटर्स भूर्मिलो एक होते थे, रेटोरियम होते थे, थ्रॉक्स होते थे, ये अलग अलग ग्लैडिएटर्स होते थे। जो लोग ग्लैडिएटर्स उनको कहते हैं जो खेलते हैं, जो उन ग्लैडिएटर खेलों में भाग लेते थे, तो ये ग्लैडिएटर्स के नाम से जानते थे। और भूर्मिलो जो भारी संरक्षण और लंबी तलवार वाले जो के साथ जो खेलने वाले खेल होते थे उनमें जब भाग लेते थे उनको भूर्मिलो कहा जाता था। रेटियारिस वो होते थे ग्लैडिएटर जिनके जो जाल और त्रिशूल के को उपयोग करके और कम मतलब जो सिक्योरिटी सिस्टम होते थे उनके साथ खेलते थे, तो उनको रेटियारिस खेला जाता था। जो छोटी ढाल और उसके सॉर्ड के साथ खेलते थे उनके लड़ने वालों को थ्रॉक्स कहा जाता था। ये विभिन्न प्रकार के ग्लैडिएटर्स होते थे। इन खेलों का आयोजन स्थल जो था एम्फी थिएटर्स हुआ करते थे। ये खेल एम्फी थिएटर्स में होते थे जिनमें सबसे प्रसिद्ध था कोलोजियम। जैसा कि मैंने बताया कि यह खेल कोलोजियम में सबसे प्रसिद्ध थे और यह रोम का एक विशाल एम्फी थिएटर था जहां हजारों दर्शक एक साथ बैठ के इन खेलों का आनंद लेते थे। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के लिए भी यह खेल बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। जो विजयी ग्लैडिएटर्स होते थे, जो जीतते थे, अक्सर उनको हीरो की तरीके से माना जाता था। कभी कभी उनको आजादी के पुरस्कार भी दिए जाते थे। साथ ही साथ चैरियट रेसिंग भी हुआ करती थी जिसे रथ दौड़ के रूप में जाना जाता है। यह भी ग्लैडिएटर करते थे और ये एम्फी थिएटर्स में खेले जाते थे। रोमन साम्राज्य में जो महिलाओं की दशा थी वो बहुत ज्यादा सशक्त नहीं थी। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बच्चों की परवरिश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था और पुरुषों की अपेक्षा उनको अधिकार थोड़े कम थे। उनके अधिकार हाउस होल्ड वर्क के लिए ज्यादा थे। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना घरों में व्यतीत करती थी और बच्चों के लालन पालन में अपना समय व्यतीत करती थी। उनका मुख्य आकर्षण था फैशन को बनाए रखना, जैसे कि ये कि वो अपने बॉडी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को बनाए रखती थी, अपनी सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देती थी। कुछ ही ऐसी औरतें होती थी उच्च वर्ग की जिनको उस समय शिक्षा का अधिकार था, वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी संतानों को, अपने आने वाले पीढ़ी को शिक्षित बना सके, इसलिए उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाता था। रोम के प्रमुख स्टेडियम और उनके प्रमुख स्थानों में से एक था सर्कस मैक्सिमस। इसका क्वेश्चन भी आता है कि शॉर्ट नोट बात आते हैं सर्कस मैक्सिमस के बारे में, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सर्कस मैक्सिमस रोम का वह क्षेत्र था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। यह एक बहुत बड़ा स्थल था, बहुत बड़ा स्थल था जहां पर 2 लाख से भी ज्यादा लोग दर्शक बैठकर खेलों का आनंद लेते थे और रथ दौड़ वहां का मुख्य आकर्षण की एक प्रतियोगिता होती थी। नेक्स्ट है कोलोजियम। कोलोजियम एक ऐसी जगह है जिस स्थान पर जो 150 फीट ऊंचे जगह पर बना हुआ था, जहां पर लोग 50,000 की तादाद में बैठकर ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट्स का आनंद लेते थे। यानी कि जो एक मुठभेड़ हुआ करती थी मानव की खूंखार पशुओं के साथ, उन खेलों के आनंद के लिए कोलिजियम एक जगह थी जहां पर 50,000 से भी अधिक लोग बैठकर उसका आनंद लेते थे। पब्लिक बाथ भी आप एक ऐसे स्नानागार बनाए गए जहां पर एक साथ कई सारे लोग जाकर, रोमन्स जो थे क्योंकि जिम्नेजियम में ज्यादा समय व्यतीत करते थे तो जिम्नेजियम का एक प्रमुख अंग हुआ करते थे पब्लिक बाथ। वहां पर जाके लोग, ये सभी के रोमन्स, लेकिन वहां के रोमन्स जो प्रॉपर रोमन्स हुआ करते थे उन्हीं के लिए पब्लिक बाथ हुआ करते थे और यहाँ पर कई 100 की संख्या में लोग जाकर एक साथ स्नान कर सकते थे। तो इस प्रकार से यहाँ हमने बात की कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जो कि रोम से के बारे में रोचक जानकारी हमको देते हैं। इसीलिए कहा गया रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे एक लंबी महत्वपूर्ण गाथा है जो कि ऐतिहासिक है और शोध के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रोम का जो इतिहास है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पूर्व के वीडियो में कि रोम के राजा थियोडोसियस ने ओलंपिक खेलों के को का पतन कर दिया था, उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया था। यदि आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो मुझे अपने प्रश्नों के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।